मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को खुश करने वाला एक महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में महादेव की स्तुति में लिखा गया है और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही असरदार होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंत्र के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मित्रों, बता दें कि इस महामंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ करना चाहिए और अगर शिव पुराण की माने तो इस मंत्र के जप से व्यक्ति की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के कई सारे फायदे होते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि सावन का महीना महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है और इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए मित्रों, एक एक कर जानते हैं सावन के इस पावन महीने में महामृत्युंजय मंत्र के जप के फायदे। गंभीर रोगों को करता है दूर। अब मित्रों, अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है और उस बीमारी से उसके मरने का अंदाजा आपको सता रहा है तो आप भी अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसे खुद नहीं कर सकते तो किसी सिद्ध ब्राह्मण या फिर पुरोहित से इस मंत्र का जप करवाएं। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकता है और रोगी को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल सकता है। अकाल मृत्यु से रक्षा। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि महामृत्युंजय मंत्र में अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति होती है। अब अगर किसी के हाथ की रेखाओं में अकाल मृत्यु का योग है तो उसे हर दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि ये मंत्र आपके अच्छे जीवन की रक्षा करता है। वहीं अगर किसी की कुंडली में बड़ी बीमारी से मरने या फिर किसी दुर्घटना से मरने का योग है तो भी इस मंत्र के जप से आप उस पर जीत पा सकते हैं। भय को करता है दूर। अब मित्रों, अगर आपका मन शांत नहीं है या फिर आपको किसी तरह की अनहोनी का भय सताता है तो भी आपके लिए ये मंत्र बहुत उपयोगी है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि अगर आपको रात में सोते समय किसी तरह का डर लगता हो तो आपको हर दिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही अपने घर के बच्चों को भी ये चमत्कारी मंत्र याद करवाएं और हर दिन उनसे सुनने के बाद उन्हें ये मंत्र जपने को कहें। जीवन में धन वृद्धि। अब मित्रों, अगर आप काफी समय से धन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा करने से आपको व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में भी रुकी हुई तरक्की होने लगेगी। इसके जब से आपको बहुत पुराना कर्जा चुकाने में भी सफलता मिलेगी और आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। बता दें कि शिवलिंग के करीब बैठकर इस मंत्र का जप करने से आपको जल्द ही फायदा मिलता है। लंबी उम्र। अब मित्रों, जिस भी व्यक्ति को लंबी उम्र पाने की अभिलाषा हो उसे हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के असर से मनुष्य का अकाल मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। यह मंत्र देवों के देव भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसी कारण इसका जप करने वालों को वो लंबी आयु प्रदान करते हैं। आरोग्य प्राप्ति। अब मित्रों, ये मंत्र न केवल मनुष्य को निर्भय बनाता है बल्कि उसकी सभी बीमारियों का भी नाश करता है। भगवान शंकर को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इस मंत्र के जप से बीमारियों का नाश होता है और व्यक्ति निरोगी बनता है। संपत्ति की प्राप्ति। अब मित्रों, जिस भी मनुष्य को धन संपत्ति पाने की अभिलाषा हो उसे भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के पाठ से महादेव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। यश और सम्मान की प्राप्ति। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है, इसीलिए सम्मान की चाह रखने वाले मनुष्य को हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से उसका जीवन सफलता की राह पर अग्रसर होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। इस मंत्र का नियमित जप करने पर जिनके घर संतान नहीं होती उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये तो थे महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से होने वाले फायदे। आइए अब जानते हैं उन कुछ खास नियमों के बारे में जिनका ध्यान आपको जप करते समय रखना चाहिए। तो शास्त्रों में मंत्र जप करते समय शब्दों का साफ रूप से शुद्ध उच्चारण का खास महत्व बताया गया है, इसीलिए जप करते समय उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखें। वहीं इस मंत्र का जप करते समय माला से ही जप करें क्योंकि संख्याहीन जप का फल किसी को भी प्राप्त नहीं होता। हर दिन कम से कम एक माला जाप पूरा करके ही उठें। वहीं अगर आप दूसरे दिन जाप करने जा रहे हैं
हैं तो पहले दिन से कम जाप करने की ना सोचें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें और इस मंत्र का उच्चारण करते समय स्वर को होठों से बाहर ना निकालें और धीरे स्वर में ही मंत्रोच्चारण करें। और तो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए और जप करते समय माला को गौमुखी में ढक कर रखें। वहीं जाप से पहले भगवान शिव के समक्ष धूप और दीप जलाएं और ध्यान रहे कि जाप के समय ये दीपक जलता रहे। इस मंत्र का जाप हमेशा कुशा के आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। साथ ही जप करते वक्त महादेव की मूर्ति, तस्वीर, शिवलिंग या फिर महामृत्युंजय यंत्र, इनमें से किसी भी एक चीज को अपने पास अवश्य रखें। इतना ही नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय या फिर पूजा पाठ करते समय भी अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। वहीं अगर आप शिवलिंग के पास बैठकर जाप करते हैं तो जल या दूध से उसका अभिषेक जरूर करें। इसके अलावा जाप करने के लिए एकांत या फिर एक शांत जगह का चुनाव करें, जिससे जाप के वक्त आपका मन इधर उधर न भटके। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जप के समय आप उबासी न लें और न ही आलस्य करें। इसके साथ ही आप अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं। जाप करने के दिनों में पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करें और जितने दिन आप जाप करना चाहते हैं उतने दिनों तक तामसिक चीजों जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बाकी किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन न करें। अब जिस जगह पर आपने पहले दिन जप किया हो प्रयास करें कि आप उसी स्थान पर बैठकर जप करें। जाप के समय बीच में किसी से भी बात न करें और इस समय सांसारिक मोह माया से दूर रहने का भी प्रयास करें। तो मित्रों, आज हमने जानी महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, जो मनुष्यों के लिए भगवान शिव का एक वरदान है। तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।